अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड सीएसएस एकेडमी की तरफ से मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेसिकली अ न्यू सब्जेक्ट है इन द सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए फ्राम 2016 से पहले यही तकरीबन जो है ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो या तो वो पढ़ते थे इंडो पाक हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान, तो इंडो पाक हिस्ट्री में पाकिस्तान अफेयर्स में उसमें कुछ पोर्शन हम कर लेते थे। तो आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इट इज़ बेसिकली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इसमें हम बात करेंगे। इसके ये जो पेपर है ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर जो है इसका टोटल मार्क्स है 100 और ये वन ऑफ द ईजिएस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरीज या बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल नहीं है जिस कम्पेयर टू बाकी जो लॉ के पेपर है। इट इज़ बेसिकली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के हवाले से। तो देयरफॉर ये एक जनरल सा पेपर है और ईच एंड एवरी कैंडिडेट जिसका जिस भी बैकग्राउंड से ताल्लुक हो, यानी अगर कोई सोशल साइंस का जनरल कैंडिडेट हो क्योंकि ईजीली उसको कर सकता है, आप कर सकता है और आपका ईजिली इसमें वो मार्किंग ओरिएंटेड भी है बिकॉज इट इज़ जनरल है और ये कोई टेक्निकल नहीं है। ये कन्फ्यूजन के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है, सब देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट या सब स्टूडेंट्स जो है वो इस कन्फ्यूजन में है कि आई एम नॉट अ ग्रेजुएट, तो मेरे लिए ग्रेजुएशन इसके लिए लाजमी नहीं है बिकॉज इट्स बेसिकली द पोलिटिकल साइंस का एरिया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो फर्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये 100 मार्क्स का पेपर है। फर्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो डिफिनीशन एंड स्कोप के हवाले से हम बात करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, उनकी बेसिक क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन है, मुख्तलिफ उनके पैराडाइम्स होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा किसी पैराडाइम्स पे है। फिर उसके अंदर क्या है, कन्वेंशन समटाइम होती है, कन्वेंशन भी क्या होती है, एक कानून है। फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ है, फिर उसके बाद समटाइम जो है एग्रीमेंट्स हैं तो उनकी भी एक स्टेटस हो जाती है लॉ, जो गोवन करते हैं टू बॉडीज़ या दो डिफरेंट ग्रुप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के लिए एक तो पार्लियामानी स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, समटाइम जो है पावर की सेपरेशन होती है डिफरेंट बॉडीज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में। इसके अलावा जुडिशरी है, फिर जुडिशरी एक्टिविज्म है, जुडिशरी की रिव्यू है, जुडिशरी स्ट्रक्चर है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। अब अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो डिफरेंट मुल्कों की जुडिशरी के ऊपर और खासकर डिफरेंट कंट्रीज़ में जुडिशरी को हमेशा कोशिश होती है कि उनको डिप्रेस रखे, उनको हमेशा उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें, क्योंकि जब इनके इंडिपेंडेंस मिल जाती हैं तो सच ऐसे केसेस भी आती है जो गवर्नमेंट की चॉइस नहीं होती, जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं होती हैं। तो देयरफॉर ये बात भी हम इसमें करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और राइट टू टॉक, राइट टू पार्टिसिपेशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड है या जो कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डिफिनीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे डिफिनीशन एंड स्कोप। इस तरीके से जब भी हम न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो एरिया है या जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम आम तौर पर बात करते हैं अबाउट देयर डिफिनीशन, अबाउट देयर इंट्रोडक्शन। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वी विल टॉक अबाउट द स्कोप, वी विल इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनके स्कोप के हवाले से बात करेंगे। सेकंड जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रिंसिपल जो है, यूनाइटेड किंगडम की हम बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, हम फ्रांस की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तुर्की की बात करते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अपनी प्रिंसिपल्स है और दे हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स है, दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है। तो उन अपनी तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करते हैं, मेक करते हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। थर्ड जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट तो प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर हम बात करेंगे, किस बेस पे हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उनकी प्रिंसिपल क्या है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, ये इंडो पाक की अगर हम बात करते हैं कि इस बरसगीर पाक की, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, जो यहाँ के लोगों के मुख्तलिफ अफेयर्स को मुख्तलिफ और उनको रेगुलेट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया जून 1947 में, जिसके बेस पे इंडिया और पाकिस्तान टू डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी सेपरेशन होती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949, जो कि पाकिस्तान बना तो अपना हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वही इंडिया एक्ट ऑफ इंडिया जो है 1935, जिसके तहत फर्स्ट टाइम असम्बली के इंतबात हुए थे। यहाँ पे मुख्तलिफ लेजिस्लेटिव असम्बलीज भी बनी थी, यहाँ के लोगों को बेसिक फंडामेंटल राइट ग्रांटेड किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुई 1949 में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन 47 के बाद 56 में, यानी 9 ईयर्स बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आता है। फिर उसके बाद 62 में, फिर उसके बाद जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो आजकल भी इनेक्टिव है, जो आजकल भी इम्प्लीमेंटेड है, तो ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद सम टाइम मार्शल लॉज भी हैं, फिर उसके बाद जो है लीगल फ्रेम वर्क भी है, PSO भी हैं, PCO भी हैं, फिर उसके बाद RCO भी है, LFO भी हैं। तो ये डिफरेंट अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशंस में, जब मार्शल लॉ है या जब मुख्तलिफ सिचुएशन के हवाले से, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को रेगुलेट करने के हवाले से। तो थर्ड टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, और अभी रिसेंटली जो है 18 अमेंडमेंट पास हुई, फिर 18 अमेंडमेंट के बाद अभी तकरीबन 25 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। तो इन हवाले से तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है कि वाई हम ने कब किस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस की, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट टाइम्स में छेड़ा गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। फोर्थ टॉपिक जो है वो लीगल डेवलपमेंट है। लीगल डेवलपमेंट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सम जो इम्पॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, जिनमें मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो इम्पॉर्टेंट का केस हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सिंध में 1955 में, ये इम्पॉर्टेंट केस है। फिर उसके बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और तमीज़ुद्दीन खान का केस होता है 1956 में 1955 में। इसके अलावा स्टेट और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ वक्तों में जो लीगली डिफरेंट केसेस है, जिसमें ख्वाजा मोहम्मद शरीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हाजी सैफुल्ला खान के साथ खिलाफ जो केस है, और इसके अलावा आसमा गिलानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान केस है, और या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो है ज़ियाउर रहमान के साथ केसेस है, या महमूद खाना जगजी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केसेस है। और ये वो केसेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो बेसिक के ऊपर है, जो कि तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, तो इसमें बेसिकली चार टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है डिफिनीशन एंड स्कोप है, सेकेंड टॉपिक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, फोर्थ जो है वो लीगल डेवलपमेंट है। वो लीगल डेवलपमेंट जो डिफरेंट टाइम्स में टाइम टू टाइम्स जो है वो डेवलप हो चुकी है, टाइम टू टाइम्स जो है उनकी डेवलपमेंट हुई, तो इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है और ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, तो लेकिन ईजिली आप कर सकते हो ईजिली जो है स्कॉलिंग सब्जेक्ट में है। मुख्तलिफ किस्म की बुक्स है इस हवाले से जिसको आप कर सकते हो। तो एजी चौधरी साहब की किताब है द लीडिंग केसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो लीगल डेवलपमेंट के लिए द लीगल केसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जो लीगल केसेस है तो इसमें पाकिस्तान में जो लीगल डेवलपमेंट है इस पोर्शन को कवर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फिर उसके बाद जो है सफदर महमूद की किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ के, तो इन किताबों से आप काफ़ी हद तक जो है इस सब्जेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कवर भी कर सकते हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे
आप उनके प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स बेसिकली वन ऑफ द एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि ईजीली कवरिंग है, और ईजीली कवरिंग के साथ साथ इनमें बहुत ज़्यादा जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो ईजी सब्जेक्ट है तो ईजीली यू कैन कवर कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टेंशन में है कि मेरी किताब अक्सर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स है, तो अक्सर सब्जेक्ट में इस अक्सर सब्जेक्ट कंस्टिट्यूशन लाकर यू कैन ऑप्ट कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली गेट गुड मार्क्स इसमें ले सकते हो। तो आई होप दैट के अगर आप कंस्टिट्यूशन लॉ को ऑप्ट कर ले तो कंस्टिट्यूशन लॉ में यू कैन गेट ईजिली अच्छी स्कोरिंग जो है आपकी पॉसिबल है। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि हार्वर्ड एकेडमी का जो है एक ऑनलाइन अकेडमी है, और CSS की फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स जो है स्टूडेंट की एक ट्रस्ट भी इस्टेब्लिश है, और कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड मटेरियल कर ले, डिलीवर कर ले। खासकर कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है और कोरोना सिचुएशन की वजह से हमारी स्ट्रगल और भी है कि हम चाहते हैं कि एक अथेंटिक एक इंफॉर्मेशन या अथेंटिक नॉलेज आपको डिलीवर करें होम पे क्राइसिस में, बिकॉज वी आर बेसिकली इन द क्राइसिस पीरियड में है, डिफिकल्ट टाइम्स में है, हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इस तरह नहीं है, हमारी जो अस्पतालों की सिचुएशन इस तरह नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स है कि आप एकेडमी को ज्वाइन कर लें, और आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के जरिए से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल के जरिए से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट एंड आफ्टर जब आप इसको कर ले तो यू कैन आप कर सकते हो, और आप टीचर से जो है किसी भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम, बिकॉज द टीचर ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, और टीचर की कोशिश होती है कि आपको फैसिलिटेट कर ले, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर ले। तो मैं ज़ाती तौर पर आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हवाले से, अगर आप लोग चाहते हो तो ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक टेंशन की नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जो है बर्डन नहीं होगी। इसलिए ये जो टॉपिक्स है, स्कोप है, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इन पाकिस्तान है, और फिर लीगल जो डॉक्यूमेंट लीगल जो केसेस है या लीगल इंपॉर्टेंट लीगल केसेस है। तो ये तकरीबन आप इसको इजीली कवर कर सकते हो, और इसमें आपकी प्रिपरेशन भी हो सकती है फॉर अदर सब्जेक्ट लाइक पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से तैयार हो सकती हैं। इसके अलावा इंडो पाक हिस्ट्री में भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा जो है इस्लामिक लॉ या इंट्रोडक्शन टू लॉ जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी आपकी हो सकती है, इंटरव्यू के लिए भी आपकी तैयारी हो सकती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा आप इसके मार्क्स ले सकते हो, उम्मीद है पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।